सो गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स, जहां मैं आपको आज मिला रहा हूं एक ऐसी इंस्पायरिंग शख्सियत से जिसको आप नहीं जानते होगे, बिकॉज उन्होंने इतने टाइटल जीते हैं लेकिन 90% लोग इनको अभी भी नहीं जानते। लेकिन उनको मिलाने से पहले, जैसे आपको पता है, मैं हमेशा आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आता हूँ। सो ये क्विज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज कि आप अपनी आर्म्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक ऐसी छोटी सी टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी, हाउ टू ग्रो योर डोला बाइसेप्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट, बहुत हेल्प मिलेगी। एक मिनट में आप जान जाओगे कि आपको क्या करना है अपनी आर्म्स ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे आज के एथलीट की। तो इन एथलीट को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ और मेरे पास काफ़ी इनके, जैसे कहते हैं ना, लोगों ने आपके जैसे लोगों ने जो का प्यार है, स्पेशली साउथ इंडिया से, काफ़ी मैसेजेस करे कि सर आप इनसे प्लीज़ मिलिए, इनसे बात करिए, बिकॉज ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे एथलीट मुरली कुमार की। अब मुरली कुमार एक ऐसे एथलीट हैं, इनके पास इंडिया के सारे टाइटल्स हैं। यू विल बी सरप्राइज, इनके पास बेस्ट चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस के 52 टाइटल्स हैं। 52, कैन यू इमेजिन दिस? इंडियन नेवी में है, आप इमेजिन करिए कि देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं, साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी। कैन यू इमेजिन दिस? और प्लस सबसे बड़ी बात, इनकी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है बिकॉज इनको इंजरीज से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन्होंने इंजरीज के ऊपर ना काबू पा लिया। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बिकॉज मैं इनसे एक ही लेसन आपको देने वाला हूँ लाइफ में, गाइस, कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। अगर इंजरी आपको रोक रही है, पैसा आपको रोक रहा है, डजंट मैटर, अगर आप में विल पावर है ना कुछ करने की, तो आप उससे बाहर आ ही जाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट मुरली भाई। सो मुरली भाई ने बॉडी बिल्डिंग से कहता, ये तो इनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा शौक था इनको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बनना चाहते थे, तो इंजीनियरिंग इन्होंने करी भी और बॉडी बिल्डिंग भी बचपन से करते आ रहे थे। तो इन्होंने सोचा थोड़े दिनों बाद कि यार क्यों ना मैं, यार यू नो, बॉडी बिल्डिंग मैंने कर ली है, रेलवेज़ में जॉब अप्लाई कर लेता हूँ। जूनियर्स थे ये, तो जूनियर में सबका इनका जॉब का हो गया, बट इनका रेलवेज़ में जॉब नहीं हुआ। थोड़ा सा दुख हुआ, अरे यार ये क्या हुआ, मतलब मेरे जितने भी पेयर्स थे सब कहते सबका यहाँ पे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो थोड़े, जैसे कहते ना, हर चीज़ में, जैसे कहते हैं, एक अच्छी भलाई होती है, अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं होती, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, या हमें पता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम नहीं करी, बिना भगवान ने आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सोच रखी है। तो फिर इनको कोई बताता है, इनके कोच, इनके मेंटोर, कि यार तुम मुंबई जाओ, मुंबई में जाके ना इंडियन नेवी की एक ओपनिंग है, वहाँ जाके ट्राई करो, सी व्हाट हैपेंस देयर। तो ये वहाँ, ये केरला के हैं बाय द वे, सो साउथ के, तो वहाँ से फिर ये जाते हैं मुंबई और ये अप्लाई करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एंड देन ये पहनते हैं प्राउडली यूनिफॉर्म अपनी और ये बन जाते हैं इंडियन नेवी के सिपा सलार। अब इमेजिन करिए यार, इतने, इसे कहते हैं ना कि एक उस उम्र में आपने वर्दी पहननी और प्लस आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी खेल रहे हो। फिर इन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और खेलने शुरू कर दी, बिकॉज आपको पता है इंडिया में सपोर्ट बहुत मिलता है, यूनिफॉर्म आपको बहुत सपोर्ट करती है अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन होता। मैंने कॉप्स के इंटरव्यू करे, आपने देखा होगा कितना उनको सपोर्ट मिलता है सरकार से। तो वो करते गए, तो मेडल्स पे मेडल जीतते गए, लेकिन 2007 में इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया कि ये अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने ग्रुप के साथ, वही नेवी के ग्रुप के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे और इनका लेग फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि भाई आई थिंक अब आपको 1.5-2 महीने कुछ नहीं कर सकते आप, और आपको जो भी आपकी चैंपियनशिप है कैंसिल कर दो थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज अब आपके लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल है इतने छोटे से टाइम के लिए। लेकिन मुरली भाई की तो, उसे कहते हैं ना, ऐसी कन्विक्शन थी कि उनको लगता था कि यार मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लोगों ने इनको बोलना शुरू कर दिया था इनकी इंजरी के बाद, अरे इसका करियर ख़त्म हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता, अरे यार वो टाइम ही था, ये बात इनको चुभनी शुरू हो गई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जिम में गए और धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग शुरू करनी शुरू कर दी। डॉक्टर से मेडिसिन लेते थे वो रिकवरी के लिए, और उसके साथ साथ इन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी। एंड गेस व्हाट, 2007 में जब इनकी इंजरी हुई, ये 2007 में भी इंजरी में ये जीत गए मिस्टर इंडिया का टाइटल, नेशनल का टाइटल। कैन यू इमेजिन दिस? कि ये है एक कन्विक्शन एक ट्रू बॉडी बिल्डर की, एक ट्रू चैंपियन की। 2007 से लेके 2013 तक इनका गोल्डन पीरियड रहा, 2013 में इन्होंने वो कर दिया जो हर बॉडी बिल्डर की एक, जिसे कहते हैं एक ड्रीम होती है। मिस्टर इंडिया तो जीते ही जीते, मिस्टर एशिया का भी टाइटल इन्होंने जीता बाहर रह के, बाहर इंडिया से बाहर इन्होंने अपना झंडा लहराया अपने नेशनल एंथम पे उनका, जिसे कहते हैं ना, आज भी उसको लेके बहुत प्राउड फील करते हैं। तो अब तक 2018 में भी इनके पास नेशनल का टाइटल है, इतने टाइटल्स ये जीत चुके हैं, और कैसे ना, कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो इनके पास नहीं है। लेकिन इनका एक ही सबसे बड़ा, इनका जो स्ट्रेंथ है
वो इनका नेवर से डाई एटीट्यूड। ये कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते, चाहे इनके इनकी से कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको आई हूँ शुरू में, बिकॉज आपको पता है बॉडी बिल्डर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो जूझना ही पड़ता है बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। तो इनको इनकी वाइफ का बहुत सपोर्ट है, उन्होंने हमेशा इनको सपोर्ट करा है, हमेशा इनको बोला कि आप कुछ करिए मैं आपके साथ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक एक लाइफ पार्टनर अगर आपको सपोर्टिव मिल जाए ना, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सो ये मुरली भाई का एक कहते हैं ना एक सपोर्ट सिस्टम इनकी वाइफ में इनको मिला है जो इनको बहुत हेल्प करी है। तो ऐसे ही ये 52 चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस टाइटल जीतते आए हैं। और मुझे याद है 2013 में इन्होंने एक संग्राम चौगले के साथ, जो हमारे एक और अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनके साथ इनका फेस ऑफ हुआ था, उन्होंने चैंपियनशिप खेली थी। और मेरे ख्याल से ये 2013 में जीत गए थे वो वाला टाइटल, संग्राम भाई को इन्होंने मेरे ख्याल से हरा दिया था। आई एम नॉट टू श्योर, बट अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको उस पर भी कोई वीडियो मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा इधर भी डालने की। बट बिकॉज दो लेजेंड है, दोनों आपस में टकराएंगे तो ऑब्वियसली कभी एक जीतेगा कभी दूसरा जीतेगा, बट दैट्स वॉट हैपन। कैन यू इमेजिन, यही है एक स्टोरी यार एक बॉडी बिल्डर की यार, कि वो कितनी मेहनतों के बाद आगे बढ़ता है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खुल जाता है, लेकिन एक बॉडी बिल्डर कभी हार नहीं मानता। और यही बात मैं आपको कहूँगा, हार मत मानना यार। बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी बिल्डिंग में या लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको उन सबसे आगे निकलना है और वो करते जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप लाइफ में कर सकते हो, जैसे हमारे मुरली भाई ने करा। उनका पैशन बॉडी बिल्डिंग है और बॉडी बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं करते, आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, आज भी उस वर्दी में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम जब भी उनको उन वर्दी में देखते हैं और एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं, हम भी कहते हैं कि यार क्या बात है यार, क्या बॉडी यार, ऐसे होने चाहिए हमारे सिपहसालार, हमारे जो भी देश की सेवा कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आपको भी उतनी इंस्पिरेशन मिली होगी मुरली भाई की स्टोरी से जितनी मुझे मिली। डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ऐसे स्टेप के वीडियोस कैसे लगते हैं जहां मैं इतने ऐसे एथलीट्स को शेयर करता हूं। इट गिव्स मी एक्सपोजर कि यार मैं पूरे इंडिया से किसी को भी फीचर कर सकता हूं और उनको आप जान सकते हो और उनसे इंस्पायर हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो का। जैसे मैं आपको बताया, क्विज आपका इंतजार कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि आप अपने आर्म्स कैसे ग्रो कर सकते हो। डू लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, आई एम श्योर अब आप ट्रूली इंस्पायर्ड हो चुके हो। सो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस एपिसोड, और मैं मिलूंगा आपको अपने अब नेक्स्ट एपिसोड में।